अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुबशिर और आप देख रहे हैं टेकमिस्ट। आज का मेरा टॉपिक है इंस्टाग्राम पर किसी भी फ्रेंड्स की पिक्चर्स को डाउनलोड करना। जैसे कि आप जानते हैं, इंस्टाग्राम आपको अलाउ नहीं करता किसी भी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सको। तो फ्रेंड, अगर आप पिक्चर को स्क्रीनशॉट के जरिए डाउनलोड कर लेते हो तो आपको क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको दो मेथड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। दोनों मेथड में बताऊँगा कैसे आप इंस्टाग्राम पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो और वो भी हाई रेजोल्यूशन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको कर लें सब्सक्राइब, और साथ ही बेल के आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें। तो फ्रेंड, फर्स्ट ओपन योर ब्राउजर एंड गो टू इंस्टाग्राम वेबसाइट। नाउ सर्च योर विक्टिम। तो फ्रेंड्स, आप अपने विक्टिम की पिक्चर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको उसको चूज़ कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको ओपन कर लेना है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको राइट क्लिक करना है इस पर और इंस्पेक्ट पर क्लिक कर देना है आपने इसके बाद। तो फ्रेंड्स, इंस्पेक्ट पर क्लिक करने के बाद ये देख सकते हैं आपके रो जो कि आप देख सकते हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट शो हो रही है। इसके ऊपर वाली आप लाइन में जाएंगे तो आपने इस पर दो दफा क्लिक कर देना है और इसके बाद आपने देख सकते हैं नीचे आपको लिंक कुछ शो हो रहे हैं। आप नीचे ऐसे ऐसे जाएंगे, नीचे जाते ही आपको नीचे जाएंगे तो कुछ एक आध सेकेंड वेट करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके माउस पॉइंटर के बिल्कुल नीचे करके आपको छोटी सी पिक्चर दिखाई दे रही है बिल्कुल ये। आपने फिर आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये इसी पिक्चर का ही लिंक है। आपने राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है ओपन इन न्यू टैब। तो फ्रेंड देख सकते हैं पिक्चर ओपन हो चुकी है और ये आपको फुल रिजल्ट मिल चुकी है। और अगर आप चाहते हैं इससे भी अच्छे रिजल्ट में कन्वर्ट करना तो ये फिलहाल आपको ओरिजिनल रिजल्ट ही मिल रहा है इसको, इसमें आपको इससे अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर आप पिक्चर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता तो तब आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं हाई रेजोल्यूशन में। तो क्या करना, आपने इसको यहाँ पर इस मिटाकर 750x750 को आपने मिटा देना है। उसके बाद इस जगह आप लिख देना है 1080x1080 और उसके बाद आपने कर देना एंटर। तो एंटर करने के बाद आपको बस पिक्चर बिल्कुल ओरिजिनल रिजल्ट में आ जाएगी। तो इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर सेव इमेज एज और यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा सेकंड मेथड है इसमें हम कैसे इंस्टाग्राम पिक्चर को डाउनलोड करेंगे। तो आपने क्या करना है, ब्राउजर को ओपन करने के बाद इंस्टाग्राम वेबसाइट को ओपन करना है। उसके बाद वही पिक्चर को जो चूज़ करना चाहते हैं चूज़ कर लेनी है। करने के बाद तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना व्यू पेज सोर्स, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर सिर्फ करना है कंट्रोल एफ कर देना है। कंट्रोल एफ करने के बाद आपके बिल्कुल रेड कॉर्नर पर सर्च करने के लिए एक आइकन आ जाएगा। आपने इस पर क्या करना है, JPG सर्च करना है, JPG। और JPG सर्च करेंगे ही बिल्कुल यहाँ पर नीचे करके ये देख सकते हैं जहाँ मेरा माउस है बिल्कुल यहाँ पर हाईलाइट सा एक JPG लिखा आ रहा है और ये वादे कर रहा है कि यहाँ पर एक जो लिंक है जो हमने इमेज ओपन किया बिल्कुल उसी का लिंक जाहिर कर रहा है। और आपने क्या करना है, यहाँ से इस लिंक को कर लेना है कॉपी। तो एक इम्पोर्टेंट बात जो कि आपसे मैं शेयर करता चलूँ कि आपने इस जो लिंक को कॉपी करना है वो आपने बगैर इन्वर्टेड कॉमास करना है, बिल्कुल इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ नहीं करना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करोगे तो पिक्चर आपकी ओपन नहीं होगी। अब मैंने कॉपी कर ली और मैं न्यू वेबसाइट पर जाके मैं करता हूँ पेस्ट। तो मैं इसको एंटर करता हूँ और फिर तो फ्रेंड देख सकते हैं ये पिक्चर ओपन हो गई है। तो ये आप इसको जूम भी कर सकते हैं और इसको आप डाउन इजीली अप कर सकेंगे, सेव इमेज एज करके आप डाउन कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप इसको सेव इमेज एज करके डाउन भी कर सकते हैं अब। तो इस तरह सेव करके आप डाउन कर सकेंगे, ये आपकी पिक्चर अभी ओपन हो जाएगी। आपको ओपन में दिखाता हूँ।
तो फ्रेंड देखते हैं पिक्चर ओपन डाउनलोड हो चुकी है और देख सकते हैं इसका रिजल्ट फुल क्वालिटी में डाउनलोड हुई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है, इसको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है और साथ बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। I'm not the one who's always right.